लोटांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळी म्हणे नामा गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। देख इतने के बाद मैं चढ़ रहा हूँ फिर वापस हल्का हल्का ऐसे पूरा लपेट गया उसको और थोड़ा चढ़ो और थोड़ा चढ़ो। सो गाइस कल बप्पा आ जाएंगे घर। सैटरडे को गणेश चतुर्थी है। आई थिंक जब ये आप लोग ये ब्लॉग देख रहे होंगे उस दिन गणेश चतुर्थी होगा। तो आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है थर्सडे, हम लोग थोड़ा थोड़ा डेकोरेशन वगैरह आज से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कल स्कूल भी है बच्चों को और शाम को पप्पा को लेने जाना है। तो जितना हो सके काम वो करके रख देंगे। सुनो तो इसको फेंक दो वरना फिर से उड़ जाएगा ऊपर वो। हाँ हीलियम वाला है ना। नहीं उसकी हालत टाइट हो खड़ा है लेकिन आपके बराबर जा रहा है थोड़ा थोड़ा ऊपर। कर्टन चेंज करेंगे यहाँ पे। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये हटा दो और येलो लगा दो। जीत बोल रहे हैं इसके साथ में लगा के देखते हैं कैसा दिख रहा है। येलो बेज ट्रांसपेरेंट। इन दोनों की क्यूरियोसिटी बंद ही नहीं होती है। क्या करो घर में कुछ भी चेंजेस करो उनका शुरू हो जाता है ड्रामा। वेरी सिंबा सिंबा काय नुआबो 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 ये जो जो कर्टन हमारे लगे थे उसके साथ में बस येलो थोड़ा सा ऐड किया क्योंकि फेस्टिवल है थोड़ा सा ब्राइट कलर अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा था कि खाली येलो एंड ये शेयर कर्टन जो है वो डालूं। जीत बोल रहे हैं कि ऐसे अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे सोफे का कलर सेम है ना तो अच्छा लगेगा क्योंकि उसके सोफे के ऊपर मैं येलो कलर का कुशन डालूंगी तो मैच करेगा पूरे घर के लुक के साथ में। इसीलिए ये रहने दिया, मतलब तीन कर्टन्स लगा दिए। ये मैं गणपति के लिए कर रही हूँ। सेम मैं इस टाइप का रेड कलर का कर्टन भी लेके आई हूँ इंडिया से, मैंने आपको दिखाया था। तो वो मैं दिवाली में लगाऊंगी, नवरात्रों में लगाऊंगी। रेड कलर का कर्टन्स जो है वो लगा दूंगी, फिर घर का थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है, थोड़ा सा येल्लो थोड़ा सा रेड, फेस्टिवल वाइब्स, थोड़ा कलर अच्छा लगता है। झूले को सोच रहे हैं हम लोग हनी बनी के रूम में रखने के लिए अभी दो चार दिन तक, क्योंकि चेयर हमने ऐसे रख दिया। और ये झूले का ये जो गोला है ना ये अंदर जा ही नहीं रहा, तो उसको खोल के करना पड़ेगा। कुछ लोग हमेशा से बोलते थे कि झूला हटा दो झूला हटा दो, आज वो खुश हो गए होंगे कि झूला हट गया है वो चार पाँच दिन के लिए बस, क्योंकि वो झूला हनी बनी के रूम में नहीं रख सकते। सिम्बा बेबो के लिए पूरा वो करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा, रस्सी बांध के उसमें कपड़ा टांगा जाएगा ताकि
सिम्बा मैं वो कहूँगी, जैसे ही ये लग जाता है ना कपड़ा, वो छुपम छुपाई खेलने लगते, भाग के आते हैं उसके अंदर घुसते तो कहीं पप्पा को गिरा ना दे। लास्ट ईयर हमने ये एक्सपीरियंस किया था, मैंने नवरात्रों में फिर ये वाइट कपड़ा लगाया ही नहीं था, बट नहीं लगाओ तो अच्छा भी लगता है, खाली खाली लगता है, ऊपर का खाली कपड़ा डालो तो। और ये जो हमने पत्ते वाला फ्रेम बनाया था उसके चारों तरफ ये येलो गेंदे के फूल लगा देंगे टाइट करके, तो ये हमारा बैकड्रॉप बन जाएगा, बैकड्रॉप बन जाएगा, पप्पा बीच में बैठेंगे, पीछे से हमने लाइट भी लगाई हुई है। गाइस, तो आज है नेक्स्ट डे, कल हमने पूरा ये मंडप जो है सजा लिया था पप्पा का। हमने एक्चुअली पता किया था एक जगह पे जो बैकग्राउंड जो इस टाइप का जैसे हमने बनाया है ना, वो ऐसे हैंडमेड बना के बेच रहे थे, बट तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव बोल रहे थे, तो हमने सोचा कि हम खुद ही डेकोरेट कर देते हैं। तो सारा सामान घर पे ही रखा हुआ था, ये येल्लो कलर की साड़ी 2-3 साल मेरे पास थी, मैं डेकोरेशन में यूज़ करती हूँ, एंड ये सब पहले से ही था, ये जो गोल वाले हैं ये वाला हम मैं बस इस बार लेके आई हूँ, तो ये कर दिया। एंड ये वाला ग्रीन वाला फ्रेम तो हम आप लोगों ने देखा था, हमने खुद से बनाया था घर पे। बाकी ये कपड़ा भी लास्ट ईयर हमने लिया था, ये वाइट कपड़ा भी लास्ट ईयर लिया था, तो इस टाइप का मंडप सज गया है। बस ये जो स्पॉटलाइट दो है ये हम लोग नया लेके आए हैं, तो कल ये डेकोरेशन इसीलिए कर दिया था क्योंकि आज बहुत काम है। अभी मुझे सुबह भी मैं गई थी कुछ कुछ लेने के लिए, आज फिर अभी फ्रूट्स वगैरह लेने जाना है, सारा पूजा सामग्री लेने जाना है, एंड सबसे लास्ट में फिर हम लोग जाएंगे पप्पा को लेने के लिए, तो इस वाले आसन को ही लेके जाऊंगी मैं। मेरे पास इससे भी और एक बड़ा है और इससे एक छोटा है, छोटे में वो आएंगे नहीं, और बड़ा यहाँ पर रखूँगी ना तो जगह काफ़ी घेर लेगा, तो बहुत सारा सामान भी रखना है, फ्रूट्स वगैरह ये सब पूजा का सामान, तो इसलिए मैंने इसी में ही वो करेंगे, इसके ऊपर एक कपड़ा डाल के। तो बस यही है, कैसा लगा आप लोगों को डेकोरेशन ये कमेंट करके बताना। इसीलिए यहाँ पे तो दो चेयर हमारे रखे थे, उसको मैंने उस तरफ को कर दिया है, तो उसमें मैंने येलो कलर के कुशन डाले हैं क्योंकि ये येलो कलर का वो लगा दिया, तो इसके कुशन कवर मुझे चेंज करने हैं, तो या तो कल सुबह कर लूँगी या आज रात को देख के इस सारे कवर्स में भी कुशन में भी वो येलो कवर लगा लूँगी ताकि थोड़ा सा फेस्टिव वाइब आए। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं एंड पप्पा को लेके आते हैं। ये वाले लाइट का तार ना नीचे तक आ नहीं रहा है, नीचे एक ही एक्सटेंशन कॉर्ड रख के सारे लाइट का कनेक्शन वहाँ पे दिया है, बट इसमें नहीं आ रहा है, तो मेल फीमेल लगा के उसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दिए वाला लाइट लगता है ना बहुत मतलब खूबसूरत लगता है, तो देखते हैं उसका कुछ अरेंजमेंट करेंगे। हर जगह इतना रश लगा है, मंदिर में तो पार्किंग तो नहीं थी बिल्कुल, क्योंकि मंदिर वाली पार्किंग भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो बिल्कुल पार्किंग, तो जित गाड़ी घुमा रहे थे मैं जाके मंदिर से सामान लेके आई, भाई भाभी तो पहुंच भी नहीं पाए मंदिर तक, तो उन्होंने बोला हमारे लिए भी ले आना। अभी फिर हम लोग जैम वक्त से निकल के जा रहे हैं मधुर पप्पा को पिक करने। पप्पा बहुत भीड़म भाड़ में है,
मधुर में तो और ज्यादा रश होगा। फिर आके हमें फ्रूट्स वेजिटेबल दूध दही ये सब भी लेना है, तो वो घर के नीचे से ही ले लेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। मतलब हर जगह पूरा ब्लॉक हो रखा है सब कुछ, इतना रश। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, और भीड़ हो रिया भीड़ हो रिया। गाइस हम लोग वो जाम में फंसे थे, आपको दिखाया। अरे ये तो फिर से गणपति बप्पा मोरिया हो रहा है तो जाम में फंस के हम लोग वापस घर आ गए, इतना ज्यादा रश था। तो हमने बाकी के काम निपटाए, जो फ्रूट्स वगैरह लेना था, दूध दही वो सब लिया, घर में आके खाना खाया। अभी रात के सुनो 11:30 हो गए हैं, दुकान खुला होगा तो मधुर, तो 11:30 बजे हम लोग जा रहे हैं। अभी रश तो नहीं होगा बट होपफुली मधुर खुला हो। मधुर वैसे 10 बजे बंद हो जाता है बट आज तो बप्पा मोरिया है तो आई थिंक 12-1 बजे तक खुला रहेंगे। सारे लोग ही जा रहे होंगे पिक करने के लिए, बप्पा को लेने के लिए। तो देखते हैं खुला होगा तो, जैसे बप्पा किचन है तो बप्पा कल सुबह आएंगे बप्पा को अगर आज हमारे घर रात में सोना होगा वो आएंगे वरना वो कल आएंगे। देखते हैं होपफुली खुले हो गए, बप्पा के बहुत सारे बप्पा फ्रेंड्स होंगे ना तो उनको सबको बाय बाय भी करना होगा। चलिए गाइस हम लोग बस खाना वाना सब कुछ खा के निकले हैं एंड बस बप्पा को लेके आएंगे, फिर कल की सारी तैयारी कर। सुबह पूजा है तो जो भी सामान चाहिए ना वो सब मैं निकाल लूंगी, ऊपर बॉक्स में सारा रखती हूँ ना वो स्टोर रूम में, तो कुछ भी निकाला नहीं है। चलिए आज का दिन पता नहीं मैंने सब ये सब काम के लिए रखा था बट सब इधर उधर, मैं बच्चों का जल्दी छुट्टी हुआ था, सुबह आई फिर लंच बनाया फिर गई डे टू डे, मुझे डे टू डे से कुछ कुछ सामान लेना था, फिर वहाँ से स्कूल गई, फिर बच्चों को लेके फिर ट्यूशन गई, ट्यूशन जब गई मैं खुद पार्लर जाके हेयर वॉश वगैरह करके आई, फिर इनको खाना वाना खिलाया और उनको सुलाते सुलाते मैं खुद सो गई हूँ। तो ये सब काम रह गया है, तो अभी कुशन कवर चेंज करना है, सारा सामान जो कलश वगैरह वो सब रेडी करके रखोगे ताकि कल सुबह उठेंगे एंड बस पूजा करेंगे। चले गाइस लेके आते हैं पापा। शिव शंकर लाटो पे त्रिपुरा सुर साखो पे, शिव शंकर लाटो पे त्रिपुरा सुर साखो पे, शिव शंकर लाटो पे पुत्र गणपति गणपति से हमारा रिसिप्ट देके टोकन लेना है, फिर वहाँ से जाके वो टोकन नंबर जब बुलाएंगे तब मतलब जो भी हमने पप्पा सिलेक्ट किया था वो फिर हमें देंगे। एंड इस बार पूरा फ्रेश फ्लावर भी यहाँ पे रखे हैं बहुत सारे, हम लोग मंदिर से लेके आ गए हैं बट यहाँ पे भी रखे हैं फ्रेश फ्लावर्स। 30 दिरहम्स के इतने से फ्लावर है जैस्मिन, 30 दिरहम्स मतलब मान लीजिए करीब 650-700 रुपये इसका। यहाँ पे इन्होंने ये सब बैकग्राउंड भी रखा था, ये आई थिंक ज़्यादा कुछ सेल नहीं हुआ है इनका क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव रखा है उन्होंने, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। बप्पा को भी सीट बेल्ट लगाओ डैडा, बप्पा को भी थोड़ा सेफ करो। मगर बप्पा को क्या सेफ कर रहे जो पूरी दुनिया को सेफ करते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। बप्पा इधर ही, बप्पा देखो इधर ही। बप्पा विल रिवील हिज फेस टुमारो, टुमारो इज गणेश चतुर्थी द बिग डे। ओनली टुमारो लाइक हनी बनी हैज वन डे बर्थडे सिमिलरली गणेश चतुर्थी। त्रिपुराचा नाश केला गणगीतेची राहिला, त्रिपुराचा नाश केला
प्रभु जान से।